हेलो गाइस, जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत अच्छा न्यूज है। वह यह है कि दुबई ने जम्मू और कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक समझौते पर साइन किया है और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वो किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकते हैं और उससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को क्या क्या फायदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है दिनेश एंड यू आर वाचिंग YZMM चैनल, जिसमें हर दिन ऐसे ही इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर एक नई वीडियो आती है। और ऐसे ही अपडेट्स और टॉपिक्स रेकमेंड करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो मैसेज भी कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन प्लीज ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबको उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इंडिया के साथ एक MOU पर साइन किया है। यह पहली बार है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जम्मू और कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए एक MOU पर साइन किया है, और ये इसे पॉसिबल हो पाया आर्टिकल 370 को हटाने के बाद। अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट, दुबई की कई एंटिटीज ने इस रीजन में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाया है। साइंड अकॉर्ड्स में दुबई गवर्नमेंट जम्मू और कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क्स, IT टावर्स, मल्टीपर्पज टावर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, एक मेडिकल कॉलेज और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेगी। इसके रिगार्डिंग पीयूष गोयल ने यह कहा कि यह MOU पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि किस तरह इंडिया एक ग्लोबल पावर में बदल रहा है, और उसमें जम्मू और कश्मीर का भी काफी सिग्निफिकेंट रोल है। इस MOU का ग्राउंड वर्क दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन इनॉग्रेशन के मौके पर 1 से 3 अक्टूबर के बीच पीयूष गोयल की दुबई विजिट के दौरान प्रिपेयर किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि ये MOU एक माइलस्टोन साबित होगा, जिसके बाद दुनिया भर से जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जिससे डेवलपमेंट को बिग बूस्ट मिलेगा। जम्मू और कश्मीर में मच नीडेड इन्वेस्टमेंट लाने के अलावा MOU इंडिया और UAE का रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग करता है, और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि UAE इस्लामिक नेशंस के ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। ये साथ ही साथ कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपोगंडा का भी काउंटर करता है। पीयूष गोयल ने और कहा था कि कहा जाता है कि दुबई से डाइवर्स बिजनेस एंटिटीज ने न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए गहरी रुचि दिखाई है, और सभी फ्रंट्स पर डेवलपमेंट की आकांक्षा होनी चाहिए और हम राइट ट्रैक पर है। यूनियन टेरिटरी के लिए गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में 28,400 करोड़ रुपीस के इंडस्ट्रियल पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद MOU का प्लान किया गया। इसे एक वाइटल लोकेशन बताते हुए जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये MOU यूनियन टेरिटरी को इंडस्ट्रियलाइजेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ में नई ऊंचाई को छूने में मदद करेगा। गाइस, आपको इस MOU के बारे में क्या लगता है? क्या ये जम्मू और कश्मीर में सच्ची में इम्प्रूवमेंट लाएगा कि नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वेल, मेरे अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा हुआ जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। इससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे, प्रॉपर हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट ले पाएंगे और बच्चे नए डेवलप कॉलेजेस में जाके पढ़ पाएंगे। गाइस, और इस वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसे ही अपडेट्स और टॉपिक्स रेकमेंड करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और मैसेज भी कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और YZMM चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।